बीजेपी के गुनेर विधानसभा विधायक महेंद्र बागरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने भाजपा को चाटुकार, चापलूस और भ्रष्टाचारी से संलिप्त पार्टी बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है और इसमें सच्ची और ईमानदार लोगों की पूछ परख और सुझाव लिए जाते हैं, इसलिए मुझे ये पार्टी अच्छी लगी, मैंने ज्वाइन की। अभी हम पार्टी से जिन्होंने त्याग पत्र दिया बीजेपी से, पूर्व में विधायक रहे, क्षेत्र में लोकप्रिय रहे, किन कारणों से छोड़ा और कांग्रेस ज्वाइन किया, अकेले नहीं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज इनका स्वागत कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस में सक्रिय दिख रहे। आज इनसे बात करते हैं कि हमारे महेंद्र बागरी जी ने पार्टी क्यों छोड़ी, क्यों ज्वाइन की, इनसे आगे बात करते हैं। विधायक जी, आपने बीजेपी में विधायक रहे, आपने पार्टी क्यों छोड़ी, क्या कारण था? भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान प्रदेश है, इस समय सच बोलने वालों की, जमीनी कार्यकर्ताओं की और जो सेवा और चापलूसी नहीं करता उनकी पार्टी में उपेक्षा होती है। उपेक्षा होने के कारण क्या कुछ और कारण रहे? उपेक्षा एक्चुअली आज पार्टी में जो जमीन के नेता हैं, जो जमीन के कार्यकर्ता हैं, जो के नेता हैं, उन चापलूसों के सामने जो नेता रात दिन बड़े नेताओं की आप सेवा को सामूत करने में, चापलूसी करने में, वास्तव में उनके अधिकारों का वो गैर तरीके से हनन करते हैं और उनका कहीं भी बड़े नेताओं का उनके प्रति जो उनके अधिकार है उनको पूरी तरह से उड़ाया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आज रहने का दौर। आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, इस पार्टी में आपको क्या अच्छा लगा? वास्तव में कांग्रेस पार्टी आज के टाइम में जो दल है, वास्तव में उनमें लंबे समय से तो सत्ता में नहीं है, आज के दौर में उनमें जो आपसी प्रेम है, जो अच्छे लोग काम करने वाले जो लोग हैं उनकी सख्ती आवश्यकता जरूरत है और उनका कहीं ना कहीं उनकी मेहनत और उनकी जो व्यतीत करने की क्षमता है उसके अनुसार उनका मान सम्मान है और कांग्रेस पार्टी में आज अच्छे लोगों का कहीं ना कहीं संगठन में हो चाहे क्षेत्र में हो उनकी अति जरूरत है और उसमें अच्छे लोगों का एक समावेश है जो सब लोग मिलकर कोई ना कोई संगठन और काम करें। आप क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, विधायक न होने के बावजूद भी इन्होंने जनसंपर्क किया, जनता से मिलते रहे, लेकिन एक दुख की बड़ी भारी बात कि इनकी जो बातें लेके जाते ऊपर के आला अधिकारी और ऊपर के नेता इन्हें नकारते रहे, इसलिए मजबूरन इन्होंने बीजेपी को छोड़कर और कांग्रेस को ज्वाइन किया। सहज सरल स्वभाव के धनी विधायक अभी भी ये विधायक की टिकट मुंह से नहीं मांग रहे, अगर पार्टी देगी तो हम विधायक बनेंगे। एमकेएन के लिए ब्यूरो चीफ राजेश पांडे, पन्ना।